सबसे पहले तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ब्रीडिंग रिकॉर्ड बुक इतनी पसंद की है और माशाल्लाह से उसका एक ऐसा फीडबैक आया है कि हमारे पैसे भी पूरे हो गए हैं, हमारी मेहनत भी पूरी हो गई है। जो हमने 400 बुक लेपर्ड्स करवाई है वो भी हमारी मेहनत पूरी हो गई है, और जिन भाइयों को वो नहीं मिल सकी, देखें हमने ये काम किया था अपनी शौक के लिए, तो जिनको नहीं, क्योंकि हमारे पास बंदे बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास बुक्स बड़ी लिमिटेड थी, जिनको नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि यार कौन बड़ा ब्रीडर है या कौन छोटा ब्रीडर है। मेरे लिए आप सब भाई एक जैसे ही हैं, जिनको नहीं मिली उनसे मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि हमारी बुक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 5-6 किस्म की और बुक्स और लोगों ने PDF भी निकालना शुरू कर दिया है। देखें होना भी ऐसा चाहिए कि आप एक ऐसा ट्रेंड दें मार्केट में कि जिसको लोग जो है ना फॉलो करें, और यही आपकी कामयाबी है। तो जिनको नहीं मिली जी उनसे माजरत, और जिनको मिल गई है बस उनकी किस्मत में थी। तो सब भाइयों का बहुत शुक्रिया आपने जो मोहब्बत और जो प्यार दिया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं सब, खैरियत से हैं। आज हमने बात करनी है लव बर्ड की पेयरिंग के ऊपर। जैसा कि सब भाई जानते हैं कि इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न 10-15 दिन में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, मौसम की वजह से ज़रा थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि गर्मी अभी ज़्यादा है। तो मैंने कहा बड़ा ज़रूरी और बड़ा बेसिक टॉपिक है और बड़ी एक जो है ना अहम चीज़ है लव बर्ड की पेयरिंग करना। तो इसमें इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है, कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो मेरे ख्याल से नोट डाउन जिनको करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा बेसिक। अच्छा जी, पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे बर्ड का मेल फीमेल कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता भी है कि यार ये मेल है ये फीमेल है, कॉस्टली बर्ड्स हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप 700-800 रुपये स्पेंड करके पर बर्ड आप उनका DNA करवाएँ, ताकि आपको पता हो कि यार सीज़न के मिड में जाके कोई मिसहैप ना हो। वो 700-800 रुपये हम उसने बचाने के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो सबसे पहले हमारे बर्ड का मेल फीमेल कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली हमारे बर्ड की एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स की एज का बड़ा मेजर इफेक्ट होता है हमारी ब्रीडिंग पे। अगर बर्ड की, अगर आप उसे कम एज में लगा देंगे पेयर अप के लिए, तो वो ना आपको रिज़ल्ट देगा उस तरीके से, और ना आपको वो क्वालिटी आगे प्रोड्यूस करके देगा। तो बर्ड की एज लाजमी पूरी करवाएँ। थर्ड, हमारा बर्ड मोल्टिंग पे नहीं होना चाहिए, हमारा बर्ड का मोल्ट क्लियर होना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ बर्ड्स हमारे फ्लाइट्स में जो रेडी हो रहे होते हैं, अभी वो मोल्ट अपना मोल्टिंग पे ही होते हैं, लेकिन वो फीमेलें जो है ना डक बनना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये तो रेडी फॉर ब्रीड है, हम उसे पकड़ के छोड़ देते हैं। फीमेलें हीट पर होती हैं, वो फिर मेलों को फेंटा लगाती हैं, और उसकी वजह से फिर लॉस भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमारा बर्ड स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। बर्ड हेल्दी एंड एक्टिव होना चाहिए, बर्ड खुशगवार माहौल में होना चाहिए आपका। अगर आपके ब्रीडिंग रूम का माहौल अच्छा है, आपका बर्ड उधर खुश है, हेल्दी एक्टिव है, तो इंशाल्लाह उसने रिज़ल्ट भी आपको 100% देना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने लव बर्ड का जोड़ा कैसे लगाना है। ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपने चेक करने के बाद, आपने अगर बर्ड को ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ दिया है, सॉरी ब्रीडिंग केज में अगर आपने उसको छोड़ दिया है, तो कुछ पेयर्स हमारे पहले दिन ही लग जाते हैं, कुछ पेयर्स 20-25 दिन भी ले जाते हैं। तो आपने टाइम भी देना है थोड़ा से, उधर आपने हौसला भी दिखाना है। अगर उसके बावजूद भी वो पेयर नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी जो आपको तरीका बताऊँगा बड़ा इफ़ेक्टिव और बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका है, उसमें आपने एक छोटा केज ले लेना। उस केज में आपने बड़ी स्टिक अगर है तो वो आपने उतार लेनी है, उसमें आपने छोटी स्टिक 6 इंच की जो होती है वो आपने लगा देनी है, एक खाने का बर्तन और एक पानी का बर्तन। ये दो चीज़ें लगा के आपने उस केज में वो पेयर छोड़ के आपने उस केज को ले जाना है अपने घर अंदर हॉल में, अंदर हॉल में जिधर से बच्चे गुजर रहे हों, या जिधर मतलब आपके घर की जो है ना वो आमदोरफ़्त चलती रहे, कोई ना कोई उधर से गुजरता रहे। जो मेल फीमेल ब्रीडिंग बॉक्स में या ब्रीडिंग केज में एक दूसरे को मार रहे थे, आप देखेंगे कि वो एक दिन के अंदर इकट्ठे उसी छोटी स्टिक पे बैठना शुरू कर देंगे। तो आपने फिर उधर हौसले का मुजाहरा करके उसको फौरन ब्रीडिंग केज में नहीं लेके आना 2-3 दिन बाद कि यार ये तो अब इकट्ठे बैठने लग गए, अब ये एक दूसरे को मार भी नहीं रहे और ये पेयर लग गए, नहीं ऐसा नहीं करना। कम अज़ कम 2 वीक्स आपने देने हैं उसी जगह पर उसी केज में, आप बेशक जगह चेंज कर दें, उनको आपने अलग ही रखना है अकेला। इंशाल्लाह उसके बाद जब आप उस जोड़े को ले कर आएँगे ब्रीडिंग रूम में, तो इंशाल्लाह वो जोड़ा आपका पेयर अप होगा। बड़ा इफ़ेक्टिव और बड़ा मज़ेदार सा तरीका है। मैं पहले बर्ड्स रख देता था शो बॉक्स में पेयर बाई पेयर करके, लेकिन उसमें फीमेलें मेल को मारती थी। तो आपने केज रखना है, आपने कोई बॉक्स नहीं रखना। तो इंशाल्लाह आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट आएगा इससे। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी मैंने कि आप सब भाइयों के साथ मैं शेयर कर दूँ।
अच्छा माशाल्लाह से जी आप देखें, मैंने इस तरीके से जो है ना केज रखा हुआ सीढ़ियों के पास, और ये जोड़ा मेरा पेल फेलो का पेयर है, और ये इकट्ठे नहीं बैठ रहे थे कल से, मैंने देख रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और ये माशाल्लाह से जो है ना बिल्कुल जोड़ा पेयर अप हो गया। तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना उसको फॉलो करना है। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूँगा ब्रीडिंग के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया लबर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से। मेरे पास एयर कंडीशन भी लगे हुए हैं अंदर, मेरे पास जो है वो चिल्लर कूलर्स भी लगे हुए हैं, मतलब मैं सारा कुछ जो है ना वो कंट्रोल करके भी ब्रीड ले सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक बॉक्स पे नहीं लगाया। मेरा ये मानना है कि जब आपका बर्ड नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग के मूड में आता है, अगर वो आपको दो क्लच भी दे दे, तो वो जो आप एसी लगा के या कूलर्स लगा के या आप कम एज में बर्ड्स को ब्रीड करवा के जो रिजल्ट्स लेते हैं, वो अगर चार आपको जो है ना क्लच आते हैं, तो ये दो क्लचेस में ही वो क्वालिटी भी इससे ऊपर आती है और चिक्स की रेशो और एग्स की रेशो भी उससे ज़्यादा आती है। तो यंग एज में अपने बर्ड को ब्रीड ना करवाएँ, अच्छे मौसम का इंतज़ार करें, बर्ड को नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग मूड में आने दें, ज़्यादा विटामिन ज़्यादा मेडिसन्स पे जो है ना वो बर्ड्स को ना लगाएं। अच्छा एक और बात, जो जो भाई हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हैं, जिनको ये वीडियो या मेरी पहले वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको आपके इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, उन्होंने हमें कोई नंबर नहीं अपना मैसेज करना ना ही अपना नाम बताना है, वो ऑलरेडी हमारे पास ऐड हो चुके हैं। जो भाई नए हमारे चैनल पे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उन्होंने अपने शहर का नाम और अपना नाम इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें इनबॉक्स कर देना है व्हाट्सएप में, इंशाल्लाह हम उनको ऐड कर लेंगे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। इसके साथ जी हमें इजाज़त दें जी, शुक्रिया अल्लाह।